रेस है और टोटो चार लाइनर है। पब्लिक की डिमांड थी, डीजे कंसरिस्तल वाले को आना पड़ा। हर हर महादेव। जय बोलेगी। सो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नए वीडियो ब्लॉग में। और गाइस, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि हमारे इधर ख्याला विष्णु गार्डन में निकल रही है इस साल 24वीं भव्य शोभा यात्रा श्री राम जी की। और गाइस, अब ज़्यादा समय न लगाते हुए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की तैयारियाँ शोभा यात्रा की। और अभी इस टाइम पर मेरे साथ में जो जा रहा है वंश और तनिष जा रहा है। और गाइस, अब चलो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, डीजे की टेस्टिंग देखी, ये है डीजे का नाम यमदूत। और गाइस, इसका जो डीजे का बेस और साउंड होता है बहुत क्लियर था, बहुत ज़बरदस्त था। और अभी जो मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे अपने आरजेड चौक पे पहुंच चुका हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इधर ये पूरा आरजेड चौक है हमारे ख्याला विष्णु गार्डन का। ये आरजेड का गुरुद्वारा है और ये पार्क है। और गाइस, ये था अभी यमदूत डीजे, जिसका भी ट्रायल चल रहा था, टेस्टिंग चल रही थी। मेरे साथ में अभी वो खड़े ना यमदूत डीजे वाले भाई खड़े हैं, जिनका ये अपना डीजे सेटअप है, पूरा सेटअप जो है इन्हीं का है। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनके सेटअप में क्या क्या है, क्या नहीं, सारी बात करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दो। भाई सुनील नाम है। सुनील नाम है जी भाई। अपना ये यमदूत डीजे कहाँ से आया है, जगह का नाम बताओगे अपना? भाई गढ़ोली गाँव से, फेज 3 से आया है। और भैया, अभी जब मैंने देखा इसका साउंड सुना, इसके अंदर आपने टोटल बेसे कितनी लगा रखी है ये बताओ? आठ लाइनर लगा रखे हैं इसमें और दस टॉप लगा रखे हैं जी। भाइयों ने जो सेटअप बना रखा है 40 से 45 लाख रुपए का इनका ये सिर्फ सेटअप है। वो सेटअप के जो साउंड था, जो आप लोगों ने सुन भी लिया और देख भी लिया है ना, जबरदस्त। अगर भाई, अगर आपका ये डीजे किसी को बुक करवाना हो तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, 9098882474। सो गाइज, भैया का नंबर भी आप लोगों को मिल चुका है, यमदूत डीजे। जैसा नाम है डीजे का और वैसा साउंड भी है और बेस भी है। तो गाइज, ऐसे ही चलता है अपन आगे की तरफ में। आगे और भी जितने डीजे होंगे और जो भी सेटअप होगा, जो भी तैयारी होगी श्री रामनवमी शोभा यात्रा की, वो भी आप लोगों को सभी को दिखाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो गाइज, चलो चलते हैं आगे की तरफ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्टेज भी सज चुका है, यहाँ पे सभी आए सभी लोगों का मान सम्मान किया जाएगा। और ये हमारे कुंदन भाई खड़े हैं यहाँ पे, फुल तैयार होके आ गए, चश्मा वश्मा लगा के। जय श्री राम कुंदन भाई, जय श्री राम भैया जी। और गाइस, ऐसे चलते हैं आगे की तरफ में, और भी जितने भी डीजे हैं और जो भी हटे हैं, जो भी तैयारियां वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस, चलो चलते हैं आगे की तरफ में। और गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने सी ब्लॉक में, पल्ले रोड की तरफ। और गाइस, यहाँ पे अभी आने के बाद में सोनू भाटिया पैकिंग वाला डीजे, जो कि यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त सेटअप बना के तैयार करके खड़ा हुआ है यहाँ पे। और गाइस, इधर क्राउड चेक करो, इसके साउंड को सुनने के लिए ना यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है जबरदस्त वाली। ये आप लोग देख सकते हैं, भीड़ लगी हुई है। और गाइस, जब यहाँ पे अभी डीजे टेस्टिंग के लिए चलेगा, आप लोगों को यहाँ का साउंड भी सुनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने पीछे वाले डीजे का सुनाया था, वैसे यहाँ का भी सुनाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ में, आप लोगों को और भी डीजे वो झांक के दिखाते हैं। तो गाइस, अब मैं पहुंच चुका हूं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में अमित और रजय के घर के पास में। यहां पे इन्होंने डीजे और झांकी भी बुला रखी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इन लड़कों ने बहुत ही मेहनत से सजा रखी है, बहुत ही अच्छा देखने में, झांकी भी लग रही है। लेकिन अभी पर्दा डाल रखा है मुँह पे, जब पूजा हो जाएगी तब ये पर्दा हटेगा, उसके बाद आप लोगों को दिखा देंगे। लेकिन अब चलते हैं इनके पास, इनके डीजे के पास में। यहाँ पे है इनका प्रधान डीजे, और डीजे का साउंड बताना किसका आपको ज़्यादा अच्छा लगा। भाई, सामान में क्या क्या लेके आए हो? आठ बेस हैं, आठ टोटो और चार लाइनर हैं। तो भाई, एक बार चला के इसका साउंड और सुना दो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट डीजे की तरफ में।
आप लोगों ने प्रधान का भी डीजे का साउंड और आवाज़ दोनों सुन लिए। पब्लिक की डिमांड थी, डीजे कंस रिश्तल वाले को आना पड़ा, लगा बम लगा तेल, डीजे कंस रिश्तल वाले का झटके जेल, बेटे हट जा, डीजे कंस आ गया। तो गाइस जैसे कि भी आप लोगों ने सुना है डीजे का साउंड, ये हमारे डीजे वाले भाई हैं। भाई हम तो भाई ओनर नहीं है, भाई हमारे बड़े भैया ओनर है, लाला भाई, भाई इनके थोड़े छोटे भाई हैं। भाई अपने डीजे का नाम बताना एक बार। कंस गुजर रिश्तल। गाइस जैसा डीजे का नाम वैसा इसका साउंड, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खतरनाक है। सामने आओगे सुनोगे देखोगे तभी पता लगेगा हाँ क्या चीज है। भाई अभी जो सामने पूरी टीम खड़ी है ना, ये है कंस गुज्जर डीजे, और ये इनकी पूरी टीम है जो कि ख्याला विष्णु गार्डन में अपना डीजे सेटअप लेके आए हैं सबको हिलाने के लिए। नवनीत भाई, इस डीजे में आपने कितनी बेस लगा रखी है? भाई 8 बेस लग रही है हमें। हाँ 11 टॉप लग रही है, 5 लाइनर लग रहे हैं। ये हमारे कंस गुज्जर डीजे वाले भाई हैं, अगर आप लोग इनको बुक करना चाहते हैं तो इन भाइयों का नंबर लेते हैं। भाई का 9 12 52 42 42।